हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर थर्ड है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, आज हम उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम ये मतलब मेरिट्स देखेंगे, क्या क्या मतलब उस जो मेरिट्स हैं, यानी कि क्या क्या जो हमारी इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन है उसके क्या क्या मेरिट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हम उसके गुण की बात करेंगे, कौन कौन से हमें एडवांटेज देखने को मिलते हैं जो इलेक्शन के अंदर हमें कंपटीशन देखने को मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारी कंट्री में जो इलेक्शन करवाया जाता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमारी कंट्री में इलेक्शन करवाए जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात इसमें डिस्कस करेंगे जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे वोटर लिस्ट के बारे में, वोटर लिस्ट कहते किसे हैं। फिर एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वोटिंग जो वोटर्स की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर टिकट्स क्या होते हैं, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में टिकट किसे कहते हैं, इलेक्शन टिकट किसे कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो हर एक पार्टी का अपना स्लोगन होता है वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, हर एक पार्टी एक स्लोगन इस्तेमाल करती है चुनाव में अपना एडवर्टाइज करने के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका क्या काम रहता है उसको भी डिस्कस करेंगे, और इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन से पावर रहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप उठाए जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और कोड ऑफ कंडक्ट और मेन प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में उनको कौन कौन से काम करने के लिए मनाई रहती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो कल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, कल की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्शन किसे कहते हैं, जनरल इलेक्शन क्या होता है, बाय इलेक्शन किसे कहते हैं, मिनिमम कंडीशन और रिक्वायरमेंट क्या है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, और डिफरेंसेस रेज ऑफ जो इलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि डिफरेंसेस जो अलग अलग स्तर अलग अलग स्टेट है इलेक्शन कंडक्ट कराने के वो कौन कौन से, उसको भी डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, किस तरीके से ये हमें इलेक्शन में एक क्या तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जीतने के लिए एक कॉम्पिटिशन लगा रहता है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो कंपटीशन देखने को मिलता है हमें इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें क्या क्या हमें एक डिफेक्ट्स देखने को मिलता है वो भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ द इलेक्ट्रोल कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि जो हम कॉम्पिटिशन जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शन के टाइम पे क्या पार्टीज में जीतने के लिए कंपटीशन तो रहता है, उसमें फिर हमने इसके डीमेरिट्स यानी कि डिफेक्ट्स भी कल हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, इसके गुण के बारे में, यानी कि जब इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उसके हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पहला फायदा हमें ये देखने को मिलता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो कौन पार्टी बनती है, तो वही रूलिंग पार्टी बनती है, यानी कि वही पार्टी क्या करती है जाकर के अपना गवर्नमेंट बनाती है। तो यानी कि जो नियमित चुनावी प्रतियोगिता में राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान कराती है, यानी कि जब कंपटीशन की जो जब कंपटीशन निकल के आता है, जब कंपटीशन देखने को मिलता है इलेक्शन के टाइम पे, तो जो भी पार्टी जीत करके आती है, जो भी लीडर रहती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो ये पूरी कोशिश करती है कि वो पब्लिक के लिए एटलीस्ट इतना तो काम वो करे कि पब्लिक उन्हें दोबारा से री इलेक्ट करके दोबारा से उन्हें वोट दे करके इलेक्शन के टाइम पे जिताए। तो वहां पे क्या है कि जो जितने भी जो लीडर सब होते हैं तो उनको एक क्या देखने को मिलता है, तो एक इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट कर सकते हैं तो वो फिर से जीतने में सक्षम होते हैं। यानी कि अभी मैंने जस्ट समझाया कि जब इलेक्शन में जैसे ही इलेक्शन का टाइम होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी जो इलेक्शन हुआ है 2019 में, तो अभी जो गवर्नमेंट काम करेगी वो पूरी कोशिश करेगी वो काम करने के लिए, जिससे कि जो पब्लिक है 2023 में दोबारा से सॉरी 2024 में दोबारा से इसी पार्टी को इलेक्ट करे। जैसे कि अभी के टाइम पे कौन है गवर्नमेंट, अभी बीजेपी है रूलिंग पार्टी में,
तो बीजेपी के द्वारा अभी जो भी काम किया जाएगा तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेगा कि पब्लिक उन्हें दोबारा रिलेक्ट मतलब री इलेक्ट करके भेजे, तो वो इसी तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में ही वो अपना सारा काम करेगा। तो दूसरा फीचर हमें यही देखने को मिलता है। अगर हम तीसरे फीचर्स की बात करें, यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता तो वह लोग कभी भी सेवा करने के लिए मजबूर होगा। यानी कि अगर हम बात करें, यदि जो पॉलिटिशियन जो भी पॉलिटिशियन अगर ये सिर्फ ये सोचता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपने पावर और जो भी अलाउंसेस दिए जाते वो इसको इंजॉय करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको दोबारा से इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए, दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए उसे पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगला फीचर्स क्या देखने को मिलता है, जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसमें असली मंशा का पता चल जाता है कि यानी कि जितने भी जो इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट है या जो पार्टी है उनकी नेचर्स के बारे में भी हमें इस कॉम्पिटिशन के थ्रू क्या है तो पता चल जाता है। क्यों? जब वो एक दूसरे पे क्या करते हैं तो ब्लेम लगाना शुरू करते हैं, क्या लगाने लगते हैं, जब आरोप लगाने का काम करते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि पॉलिटिशियंस का क्या नजरिया है, तो उसके बारे में हमें भी पता चल जाता है। फिर उसके बाद मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प मिल जाता है। यानी कि अगर हम बात करें वोटर्स के, वोटर्स को जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो जितने भी जो वोटर्स है यानी कि जिसे हम बात करते हैं आम पब्लिक, उनके पास ये राइट्स आ जाता है उस टाइम कि वो अपने लीडर्स को, एक ऐसे लीडर्स को चुन करके बिठाए जो कि उनके लिए काम करे। तो ये सारे प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिशन के टाइम पे, वो भी जब जब इलेक्शन का टाइम आता है। अब बात करते हैं कि भारत यानी कि हमारी कंट्री में इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं तो एक पार्लियामेंट चलाने का काम करते हैं। तो हमारी हर एक कंट्री मतलब हर एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। जब हम बात करें कि लोकसभा की या हम बात करें विधानसभा की, तो हर 5 साल में क्या है हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जैसे ही उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझने की बात कोशिश करें तो 2009 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2014 में किसकी गवर्नमेंट आई? बीजेपी गवर्नमेंट आई। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश, ये चीज समझने की कोशिश की है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड पे क्या है तो दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और पब्लिक ने इस बार कांग्रेस पार्टी को ना जिता करके किसको जिताई? बीजेपी की पार्टी को जिताई। तो फिर जैसे ही 2014 में चुनाव हुआ, उसके बाद कब चुनाव किया गया? 2019 में। तो पब्लिक ने 2019 में किस पार्टी को वोट दिया? तो बीजेपी ही पार्टी को दोबारा से क्या दिया? तो वोट दिया। तो बीजेपी पार्टी की जो गवर्नमेंट, जितने भी जो पॉलिटिक्स या जो लीडर्स थे, उन्होंने दोबारा मिलकर के क्या किया तो रिप्रेजेंट मतलब दोबारा से उन्हें री इलेक्ट करके भेजा गया। यानी कि जब हम बात करते हैं, जब एक फिक्स टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद जब दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो हम उसे कहते हैं, मतलब इलेक्शन तो हर 5 साल पे करवाया जाता है ये तो फिक्स है, लेकिन अगर जो रूलिंग पार्टी और वही दोबारा रूलिंग पार्टी जीत करके आती है अगले इलेक्शन में तो हम उसे कहते हैं री इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि वो दोबारा से चुनी गई है। तो जैसे ही टाइम पीरियड, जैसे ही टेन्योर 5 साल कंप्लीट होता है तो हर 5 साल में क्या है तो एक लोकसभा का चुनाव हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, और जो भी रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो उसके बेस पे क्या होता है तो हमारी कंट्री में कौन गवर्नमेंट बनाएगा उसका डिसीजन लिया जाता है। तो यही प्रोसेस होता है हमारी कंट्री में इलेक्शन के टाइम पे, और ऐसा ही प्रोसेस चलता है हमारा स्टेट लेवल पे, यही सेम प्रोसेस चलता है हमारा किस पे? स्टेट लेवल पे। अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंसी और सीट किसे कहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी रीजंस
दिस आर कॉल्ड द कंस्टिट्यूएंसी और सीट। यानी कि जब हम बात करते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के पर्पज से हम क्या करते हैं अपनी कंट्री को एरिया वाइज क्या करते हैं मैनी रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो एरिया वाइज जो डिवाइडेड किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंसीज और सीट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने लड़ा था वाराणसी से, वाराणसी कंडेंस मतलब कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। तो यानी कि जब किसी भी जब हम अपनी कंट्री में जो एरियाज डिवाइड कर देते हैं किसके बेस पे, इलेक्शन के पर्पज से, और जहां से हर एक लीडर अपने एरिया से क्या होता है तो चुनाव लड़ता है, तो वो एरिया हमारे लिए क्या हो जाता है एक कंस्टिट्यूएंसी हो जाता है। अब बात करते हैं टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा के, टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा के बारे में। तो हमारी कंट्री में टोटल कितनी सीटें लोकसभा में, तो 543 सीट्स हैं, जिसमें से कि क्या है 84 जो सीट है वो क्या है रिजर्व सीट है, किसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी कि 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 सीट किसके लिए रिजर्व है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए। और टोटल सीट्स कितने हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो 543। और इन टोटल सीट्स 543 में जो भी 271 जिससे ज्यादा सीट्स लेके जीत के आता है पार्लियामेंट लोकसभा में, तो वो अपनी गवर्नमेंट क्या करता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। अगर हम इसका 51% निकाले तो कितना निकलेगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो, अगर हम इसका मतलब टोटल समझिए कि जो 71% जो वोटिंग है वो जब वो आता है तो क्या होता है, तो वो अपने रूलिंग पार्टी बनाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें सीधा सीधे 277 जो भी पार्टी सीट जीत के आएगी लोकसभा में, तो वो अपना क्या बनाएगा, तो वो अपना एक गवर्नमेंट बना लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वोट फिर किसे मिली है उस पार्टी को जिसने लोकसभा में कितनी सीट जीते हैं 51% से ज्यादा सीट जीती होगी। अब बात करते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंसी इंडिया में। तो हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी सीट है कंस्टिट्यूएंसी है, तो वो कौन है, कौन सा है, तो लद्दाख है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो है हमारा चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। तो अगर हम अगर यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी कहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा लद्दाख, और अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा चांदनी चौक। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट कर्मी, यानी कि वोटर लिस्ट कहते किसे हैं, उन लोगों के लिए जब उन लोगों उन पर्सन की जो नाम की जो लिस्ट बनाई जाती है जो कि क्या है अब कैपेबल है वोट देने के लिए। तो जो 18 ईयर से जब एवव हो जाते हैं और उनका नाम जब वोटिंग देने के लिए उन लिस्ट में डाला जाता है, तो वो बनता है हमारा वोटिंग लिस्ट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन किस एज के लोग वोट दे सकते हैं। हमारी कंट्री में क्या है 18 ईयर से जितने भी जो एवव लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये पहले एज कितना था, अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में पहले जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी 21, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो कि कब किया गया था 1989 में किया गया था, तो उसमें 21 से घटा करके कितना कर दिया गया था 18 ईयर कर दिया गया था। यानी कि अब जो भी चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी, अगर वो 18 प्लस है या 18 प्लस है तो उसके पास क्या आ जाएगा राइट टू वोट आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने 21 से घटा करके 18 ईयर वोटिंग एज कर दी। और अगर हम बात करें हमारा जो कैंडिडेट है, यानी कि जब हम बात करते हैं अपने कैंडिडेट के बारे में, तो कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए 24 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें हमारे एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव या लीडर है जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन में वो चुनाव में खड़ा है, तो उसकी एज की बात की जा रही है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर होनी चाहिए। तो लोकसभा में, तो अगर हम बात करें लोकसभा की मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए 25 ईयर चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए तो 30 ईयर चाहिए। अगर हम आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे कंट्री का वही आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है जो कि क्या हो, जो इंडियन का
जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप हो, सिटीजनशिप उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप हो और वो 35 ईयर अपना कंप्लीट कर चुका हो, तो वही पर्सन हमारी कंट्री में क्या बन सकता है, तो प्रेसिडेंट बन सकता है। कहने की बात यह है सीधा सीधी, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर, और अगर हम बात करें राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर, और प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, तो 35 ईयर हमें चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें गवर्नर के लिए, तो गवर्नर के बनने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। ये किसमें, तो आर्टिकल गवर्नर के बारे में आर्टिकल 157 में इंक्लूडेड किया गया है। अब बात करते हैं टिकट के बारे में, किसके बारे में, टिकट, आखिर टिकट कहते किसे। जब भी कोई कैंडिडेट या नॉमिनेशन, जिससे जो इलेक्शन के टाइम पे वो किसी भी पार्टी के पार्टी को ज्वाइन करके उसमें इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो उसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, टिकट। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि ये एक एक्स पर्सन है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी पार्टी को वो क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा, चाहे वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर ले, या कांग्रेस को ज्वाइन कर ले, ये किसी जो भी अदर पार्टी है उसको वो किसी भी पार्टी में वो क्या कर ले, इनमें से पहले वो क्या करेगा, किसी एक पार्टी को ज्वाइन करेगा और उस पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए जो परमिशन दी जाएगी उसे, तो उसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस पर्सन ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जाएगा कि आप जिस कंसिस्टेंसी से आप चुनाव लड़ेंगे, तो जब उसको एक जगह वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगा, सबसे पहले कंसिस्टेंसी चूज करेगा, तो जैसे ही उसके द्वारा कंसिस्टेंसी चुन लिया जाता है कि वो किस कंसिस्टेंसी से चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे उसको उस जगह पे खड़ा किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि उसे उस पर्सन को इस पार्टी के द्वारा टिकट दे दिया गया, उसी को कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में टिकट मिलना। अब बात करते हैं वेरियस मीडियम और मीन्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन, अलग अलग चुनाव अभियान और अलग अलग चुनाव के जो माध्यम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही चुनाव के टाइम पे आता है, तो आप इसको जो हम इलेक्शन के टाइम पे जो हम एनवायरनमेंट देखते हैं अपने आसपास में, जो एक्टिविटीज देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो सारी चीजें आप इसे डायरेक्ट रिलेटेड कर सकते हो। तो जैसे कि बात करें कि सबसे पहले जो पार्टीज जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसमें क्या कराया जाता है, तो सबसे पहले पोस्टर सब छपवाए जाते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिर सभाएं बुलाई जाती है, मीटिंग्स बुलाई जाती है कि कौन सा आदमी या कौन सा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा पीपल, वो किस एरिया के लिए, किस कंसिस्टेंसी के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा, फिर उसमें इस पब्लिक के बीच में जाके स्पीचेस मतलब भाषणें दी जाती है कि उसकी अगर सरकार जीत के आएगी तो क्या क्या काम करेगी, पिछले जो रूलिंग पार्टी थी उसने क्या काम किए हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर क्या निकाले जाते हैं, नारे टाइप में निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, नारे टाइप में निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम होगा तो सम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, अपने किसी भी अलग अलग पार्टीज के क्या करेंगे, वो नारे लगाएंगे कि भाई की कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को जिताए, बीजेपी को वोट दे, बीजेपी को जिताए, आम आदमी को वोट दे, आम आदमी को जिताए, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, तो इस तरीके से फिर क्या निकाला जाता है, एक जुलूस निकाला जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो फिर हाउस टू हाउस करके क्या करते हैं, विजिट करने का काम करते हैं, किसके द्वारा, जो भी कैंडिडेट अपनी कंस्टिट्यूएंसी से क्या कर रहा हो, तो इलेक्शन लड़ रहा हो, क्या कर रहा हो, इलेक्शन लड़ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी हमने थोड़ी देर पहले अगर मान लीजिए कि चांदनी चौक से एक एक्स पर्सन क्या कर रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो वहां पे वो फिर क्या करेगा, हर एक घर अपने एरिया के उसके एरिया में जितने भी जो घर होंगे सबके घर में जाकर के वो क्या करेगा, तो वोट मांगने की रिक्वेस्ट करेगा और सबको ये आश्वासन दिलाएगा, ट्रस्ट दिलाएगा कि वो जैसे ही जीत के आएगा तो वो अपने एरिया में कौन कौन से काम करेगा। अब बात करते हैं स्लोगन, इलेक्शन के टाइम पे जो स्लोगन का यूज किया जाता है हर एक पार्टी का, हर एक पार्टी क्या करती है इलेक्शन के टाइम पे स्लोगन यूज करती है। एग्जांपल के तौर पे देखिए तो इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन लड़ा था 1971 के टाइम्स में, तो उस टाइम पे क्या नारा ये डेट एक्सेक्ट सही है यानी वो तो भी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये समझ लीजिए कि जब इंदिरा गांधी के द्वारा इलेक्शन लड़ा गया था तो उन्होंने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ
ये गरीबी हटाओ नारा एक स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ ये किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा ये स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था इलेक्शन के टाइम पे। फिर जमीन जीतने वालों के वामपंथी दल, ये किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था? तो तेलुगु के जो स्वाभिमान पार्टी है, जो कि तेलुगु के देशम पार्टी है, तो उसके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के टाइम पे क्या है, हर एक पार्टी अपना अपना स्लोगन यूज करती है, जिससे कि ये पब्लिक को इंश्योर दिला सके कि जैसे ही वो इलेक्शन में जीत करके आएंगे तो पब्लिक की किस किस इंटरेस्ट में रह करके काम करेंगे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो हमारी कंट्री में चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तो ये कौन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक मतलब अपनी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए और वो इंडिपेंडेंट रूप में इलेक्शन कंडक्ट कराए। तो ये काम जो इलेक्शन कराने का काम जिसका है तो उसी को कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन। और इस पे जो अधिकारी रहते हैं वो किस रैंक के? तो IAS के रैंक के अधिकारी या इलेक्शन कमीशन के चेयर रहते हैं। और इन्हीं का काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। अब बात करते हैं पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर है। तो पहला पावर यही होता है कि वो किसी भी पार्टी को क्या करता है, तो नोटिफाई और डिक्लेरेशन देने का काम करता है उसके रिजल्ट के लिए। यानी कि जो चुनाव आयोग है, जैसे ही इलेक्शन, यानी कि वो इलेक्शन को नोटिफाई करने की कब इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसको नोटिफाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा पावर हमें ये देखने को मिलता है कि जब इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जितने भी जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है भी या नहीं, या उससे कोई लिंक तो नहीं है। फिर क्या पावर देखने को मिलता है? फिर ये पावर देखने को मिलता है कि जो पारिवारिक संबंधों की बुनियादी पर टिकट मिलने पर रोकथाम, यानी कि जो भी हमें किसके दे पे फैमिली टाइज के बेस पे जो हमें टिकट से देखने को मिलता है, तो उसको भी वो रोकने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स पर्सन है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे वाई पार्टी से वो क्या कर रहा है, इलेक्शन ले, मतलब वाई पार्टी को ज्वाइन करके एक्स पर्सन क्या कर रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यही वाई पार्टी क्या करे, सिर्फ एक ही फैमिली को वो क्या करे, टिकट दे दे। तो इन सबको भी रोकने का काम कौन करता है? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो करता है। फिर हम बात करते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन का जो चौथा पावर है, वो चौथा पावर क्या बताने की, जितने भी जो हमारे वोटर्स हैं, यानी कि जो वोट देते हैं, उनको चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। यानी कि जितने भी जो वोटर्स हैं, यानी कि हम बात करें हर एक आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कराना है कि वो अपने पसंद के किसी भी लीडर्स को चुन सके। और जितने भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे छोटे पार्टीज को, और पार्टीज का क्या करना, उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि जो छोटे दल के जो पार्टीज होते हैं, जो स्मॉल पार्टीज होते हैं, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उन्हें क्या करना, रिजॉल्व करना, उसे ठीक करना। और जो हम बात करें कि उस और एक स्वतंत्र कैंडिडेट हो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इंश्योर करना किसका काम रहता है, तो इलेक्शन कमीशन का काम रहता है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इलेक्शन कंडक्ट कराने से पहले एक इलेक्ट्रोल पोल को क्या किया जाता है, पहले चुना जाता है, यानी कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना, ये पहला काम किया जाता है। दूसरा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो EVM है, यानी कि EVM है, तो EVM जिसपे हम क्या करते हैं, जो वोट देते हैं अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, तो वो इस चीज को इंश्योर करता है कि उसका कोई भी मिसयूज ना हो। फिर जितने भी जो अगर वोटर है उनको क्या करना, एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराना है, हाँ, एक काम है किसका, तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का एक स्टेप है। जैसे कि हम बात करें, जैसे ही हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहाँ की हमें जो भी 18 या 18 प्लस है तो उनका एक वोटर आईडी कार्ड बना होगा, वोटर आईडी कार्ड, तो वो इस चीज को इंश्योर करता है
कि वो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, और ये काम किसका रहता है, तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन रहता है तो उनका ये काम रहता है कि जितने भी जो वोटर्स हैं उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बना करके प्रोवाइड कराना, ताकि वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। फिर चुनाव याचिका, यानी कि फिर जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन को क्या करना, जल्दी से जल्दी उसको कंडक्ट कराना। फिर ये एक काम बच जाता है किसका, जो इलेक्शन की बात करते हैं, जब एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद ये इंक्वायरी करना कि पैसे का जो सही, जो पैसे हैं, मनी है, जो इलेक्शन के टाइम पे खर्च किए जा रहे, जो यूज होगा, उसका सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं, ये भी एक काम किसका है। तो इलेक्शन, जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस टाइम एक काम ये भी रहता है। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता कब लगाया जाता है। जब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कभी भी इलेक्शन के टाइम पे क्या है, अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तब इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या लगाया जाता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, और इलेक्शन के टाइम पे क्या किया है, इलेक्शन के उस टाइम जो भी रूल्स हैं अगर उसको फॉलो नहीं किया है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पे क्या लगाया जाएगा, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाएगा। तो यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रूल को फॉलो नहीं करती इलेक्शन के टाइम पे, तो इलेक्शन कमीशन उस टाइम जो एक्शन लेता है, तो उसी को हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करते हैं कि किस 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 रीजन से कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा सकता है। पहला है कि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी पार्टीज क्या करेगी, रिलीजियस के बेस पर क्या करेगी, रिलीजियस के बेस पर वो अपना कैंपेन नहीं चलाएगी। यानी कि इलेक्शन, जब इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा हो, तो किसी भी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल पार्टीज नहीं कर सकती है चुनाव का प्रचार करने के लिए, पहला। दूसरा, दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो कैंडिडेट होते हैं, उनके पास जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी रहते हैं उनका, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो इलेक्शन में, तो जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, तो एक तो वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और दूसरा इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट व्हीकल या जो एयरक्राफ्ट है तो उसका यूज वो नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या देखने को मिलता है कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकार के द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा, और कोई भी योजना का संचालन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही हमारा जो इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तो उसके बाद जो सरकार है कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कि पब्लिक की पूरी तरीके से इंटरेस्ट में। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लें, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, और इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन का डेट बता दी गई कि अब जो इलेक्शन होगा 23 मई 2024 में होगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही बता दिया गया कि 23 मई 2024 को इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद आम आदमी पार्टी कोई भी जो फैसला है, नीतिगत फैसला है, वो उस टाइम नहीं ले सकती है। या सिर्फ आम आदमी नहीं, कोई भी रूलिंग पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लीडर्स उस टाइम नहीं ले सकती है, उस पर भी वो क्या करता है, तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर इन सब रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या जो और कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा, तो उनपे क्या लगाया जाता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट नो कैंडिडेट और पार्टी डू ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि जो कैंडिडेट है और या जो पार्टी है वो इलेक्शन के टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रल लॉ, यानी कि हम चुनावी जो चुनावी कानून है उसके अनुसार बात करें, उसके अकॉर्डिंग बात करें, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी इलेक्शन के टाइम पे क्या कर सकते, तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे कि पहला है कि जो भी वोटर्स होते हैं, यानी कि जो वोट देते हैं उनको, वो या तो उनको घूस नहीं दे सकते हैं, या तो उनको किसी भी तरीके से धमकी नहीं दे सकते हैं, पहला काम। दूसरा क्या रहता है कि जो हमारा कास्ट है या जो रिलीजियस है उसके नाम पर पे वोट नहीं मांग सकते हैं। तीसरा, जो भी हमारा यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज इन द इलेक्शन कैंपेन, उसमें कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम होगा तो उस टाइम गवर्नमेंट की जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संस्थाएं हैं,
उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर 25 लाख से ज्यादा, यानी कि अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट में, पर 10 से 25 लाख से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और फिर लास्ट में कहा जाता है, लास्ट में क्या है कि चुनाव प्रसार के लिए किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्या है कि जो कैंडिडेट है या जो पार्टी है वो इलेक्शन के टाइम पे ये सारे काम नहीं कर सकती है। यानी अगर हम बात करें कि एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि गवर्नमेंट या जो कैंडिडेट है या जो पार्टी है वो 10 से 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है, सिर्फ कहने की बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट है या जो पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट है, वो इससे भी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। और ये सारे पैसे कौन से होते हैं, तो ब्लैक मनी निकाल करके यूज करते हैं, ये सारे ब्लैक मनी ही यूज करते हैं। और ये भी कहने वाली बात है कि कास्ट और रिलीजियस के नाम पे वोट कोई नहीं मांगेगा, लेकिन हमें फिर भी इनडायरेक्टली हमें सोसाइटी में देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट्स हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जब अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर हम अपना आगे का टॉपिक, यानी अगला जो चैप्टर है क्लास 9th का, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।